सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 32वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। यह श्लोक काफी विवादास्पद है और इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो दलित आंदोलन के लोग हैं, स्त्री विमर्श के लोग हैं और मानवतावादी हैं, वे इस श्लोक पर बहुत आपत्ति करते हैं। इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना जरूरी है, इसलिए यह कुछ लंबा हो सकता है, परंतु इसकी उपयोगिता और विवाद को देखते हुए इसके ऊपर स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप्यो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति पराम गतिम्। अर्थात मेरे ही आश्रित होकर के पार्थ, जो पाप योनि है, स्त्री है, वैश्य है और शूद्र हैं, ये सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो दुराचारी लोग हैं, बल्कि दुराचारी से भी जो ज़्यादा दुराचारी हैं, वे कैसे मेरे आश्रय को ग्रहण करके धर्मात्मा बनते हैं, यानी इस जन्म में पाप करके। अब यहाँ पर कहते हैं पाप योनयः, जो पाप योनि है, यानी पिछले जन्म के ही जो लोग पाप कर्म कर चुके थे, जो प्राणी, वे इस योनि में, यानी पाप योनि में उत्पन्न हुए हैं। तो पाप योनि में कौन कौन आते हैं, जैसे कि पशु पक्षी, कीट पतंगे, वनस्पतियां और अन्य प्राणी मानवों के अलावा। तो ये जो अन्य प्राणी हैं मानवों के अलावा, ये भी चूंकि परमात्मा के ही अंश हैं और भगवान ने इसे कहा है ममेवांशो जीवलोके, मेरे ही अंश से ये सारे जीवलोक हैं। तो भगवान के ही अंश होने के कारण वे उतने ही पवित्र और प्रिय हैं, परंतु पूर्व कर्मों में पाप कर्म शामिल होने की वजह से उनको जो योनि प्राप्त हुई है वो पाप योनि कही जाती है। पाप योनि इसलिए कही जाती है कि वहाँ पर वे ज़्यादा बद्ध अवस्था में रहते हैं, यानी उनको अपनी मुक्ति के प्रति उतनी लालसा अभिलाषा नहीं रहती है, उनकी चेतना उस विषय में उतनी जागृत नहीं हो पाती है और वे भक्ति मुक्ति का प्रयास सामान्यतया नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है कि वे बिल्कुल भी नहीं करते,
इसीलिए उस पाप योनि में भी पढ़ करके बहुत सारे जीव प्राणी मुक्त हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए गजेंद्र का ही नाम आता है, जिसे ग्राह ने पकड़ लिया था तो उसकी आर्त पुकार से भगवान उसे बचाने आ गए। इसी तरह से भगवान बुद्ध की भी कथा में यह आता है कि एक हाथी ने जब जंगल में आग लगी तो एक शशक उसके ठीक यहाँ भीतर छिप कर के आ गया, उसके पैरों के नीचे आके छिप गया आग से बचने के लिए। तो हाथी जल गया लेकिन उसको, उस खरगोश को कोई आँच नहीं आने दिया। तो वैसे लोग फिर मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं और वह हाथी भी अंत में बुद्ध हुआ। कहने का अर्थ है, तात्पर्य है, कई गोवें जो हैं वे इस तरह से मुक्त होती हैं, कई पशु पक्षी चूहे सभी प्राणी मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर पाप योनि का उससे मतलब यही है कि वे जो पाप योनि में पड़े हुए हैं, यानी इन सब योनियों में हैं, अगर वे भी आर्त पुकार करते हैं, भगवान के हृदय को द्रवित कर देते हैं, तो भगवान अपने ही उस अंश के लिए फिर आ जाते हैं। एक बच्चा अगर कोई बहुत शैतानी भी कर रहा है तो अधिक जोर से चिल्लाता है तो उसकी माँ उसकी शैतानी को नहीं देखती है, उसकी आर्त पुकार से द्रवित हो जाती है और उसे गोद में उठा लेती है, उसे उतना ही प्यार देती है जितना कि कोई अच्छे कर्म में लगा हुआ या बुद्धिमान बच्चा। तो बच्चा भले ही पागल हो, ना समझ हो, लेकिन माँ के लिए, पिता के लिए वो उतना ही प्यारा होता है। तो यहाँ पर पाप योनि का मतलब यह है। परंतु कुछ लोग जो इस श्लोक का निहितार्थ नहीं समझे हैं, वो यहाँ पर पाप योनि को, पाप योनि को विशेषण मान लिए हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र का, और वे ये कहते हैं कि ये विशेषण है कि ये सब पाप योनि हैं, स्त्री वैश्य और शूद्र। ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। यहाँ पर पाप योनि विशेषण के रूप में नहीं है, संज्ञा के रूप में है, क्योंकि स्त्रियों को कहीं भी पाप योनि नहीं कहा गया शास्त्र में, और किसी भी वर्ण की स्त्री हो सकती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी की भी, तो वो पाप योनि उनको नहीं कहा गया। बल्कि क्योंकि भगवान ने पहले दुराचारी के विषय में बताया, यहाँ पर अन्य मनुष्यों के विषय में बताया, स्त्री लिंग स्त्री का भी यहाँ पर किया गया, उसके विषय में भी आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उनको मुख्य कहने का मतलब है कि सारे जितने प्राणी हैं सब आ जाएं, सबकी मुक्ति कैसे होती है इसका वर्णन कर दें। तो उसमें उन्होंने बाकी सारे प्राणियों को जो मनुष्य नहीं हैं उनको उन्होंने पाप योनि में रखा है। क्योंकि वे अपनी मुक्ति का वैसा सजग प्रयास कम करते हैं और वे बद्ध होते हैं, इस वजह से उन्होंने उसे पाप योनि में रखा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, श्रीमद् भागवत के ग्यारहवें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि गोपियां, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा सभी प्राण के जो मूढ़ बुद्धि के प्राणी हैं वे भी अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध हो करके मेरी प्राप्ति कर सकते हैं।
और सांडिल्य ऋषि ने भी अपने सांडिल्य भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा है, अनिंद्यो अन्य अधिक्रियते परंपरयात सामान्यवत्, अर्थात सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीचे से नीचे योनि से लेकर ऊंचे से ऊंची योनि तक सभी प्राणी अधिकारी हैं। तो सारे ऋषि इसमें एक मत हैं कि जो पाप योनि के भी हैं, यानी मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे कोई भी हो, वे सभी मुक्त होने के लिए उतने ही योग्य हैं जितने कि मनुष्य हैं। उनमें भी ईश्वर ने वैसे ही क्षमता दी है, ये अलग बात है कि वे चूंकि पाप योनि में हैं, यानी ज़्यादा बद्ध योनि में हैं, तो उनकी चेतना उस दिशा में उतनी सक्रिय नहीं है, परंतु वे भी आर्त भाव से अगर करते हैं तो वे भी मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में कुत्तों को या बिल्लियों को, इन सब को भी भजन करते पाया गया है, कौओं को भी भजन करते पाया गया है, तोताओं को भी भजन करते पाया गया है। तो वह चेतना, वह ईश्वरीय कृपा किसी भी प्राणी में जागृत हो सकती है, पहली बात तो यह। अब इसके बाद यहाँ पर कहे हैं कि स्त्रियों वैश्यास तथा स्त्रियों और वैश्यों को भी परम गति मिलती है। और यहाँ पर जब स्त्रियों शब्द का प्रयोग किया गया है तो भगवान ने स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से कहा है स्त्रियों के विषय में, ताकि कुछ लोग यह ना कह सके कि स्त्रियों के विषय में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ पुरुषों के बारे में बोल दिया, स्त्रियों का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इस दोष से बचने के लिए भी भगवान ने स्त्रियों का यहाँ पर विशेष रूप से नाम लिया। और कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि स्त्री जो है अपने पति के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान करके और पुण्य कार्य करके मुक्त हो सकती है, भजन करके मुक्त हो सकती है, तो उसका भगवान ने यह सर्वथा निषेध कर दिया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, वो विधवा हो या कोई हो, वो स्वतंत्र रूप से स्त्री होने के नाते ही समर्थ है। अगर वह मेरी शरण में आती है तो वो चाहे शादीशुदा है, कुमारी है, चाहे वो विधवा हो चुकी है, वो चाहे किसी भी अवस्था में है, यदि वो आर्त भाव से मुझे पुकारती है तो वह मुक्त हो सकती है, यदि वो अनन्य भाव से हमारी शरण में आती है, मेरा आश्रय ग्रहण करती है तो वह मुक्त हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों को इसीलिए अलग से रखा ताकि किसी के मन में कोई संशय ना रहे और कोई यह आपत्ति नहीं लगाए कि स्त्रियों की मुक्ति का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्त्रियों के विषय में कहा है। कई स्त्रियाँ जैसे देवहूति, कुंती, द्रौपदी, वज्र की गोपियाँ, सबरी आदि, मीराबाई, कर्माबाई, सहजोबाई, फूलीबाई, करमैती आदि कई स्त्रियाँ हैं जो कि मुक्त हुई हैं, जिन्होंने उन्मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से साधना की है, भक्ति की है, भगवान का आश्रय लिया है और वे मुक्त हुई हैं। अब इसके बाद है वैश्यास, यानी वैश्य के विषय में। वर्ण व्यवस्था की बात आते ही बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और कितने लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, परंतु हमें वर्ण व्यवस्था को समझना होगा, उसे खारिज या स्वीकार करने की बात नहीं है,
उसको समझने की बात है। वैश्य भी एक साधना में एक अवस्था है, जिसका जब जब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो इसको समझना पड़ेगा कि एक तो सृष्टि में उत्पन्न करने की जो स्थिति है, सृष्टि के क्रम की जो उत्पन्न किस क्रम से हुआ है, तो उसमें ब्राह्मण वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, इस तरीके से सृष्टि के उत्पन्न है। यह टाइम पीरियड है, यानी समय को भी सृष्टि में जो उत्पन्न होने के जो समय है, अवस्था है, जो काल है, उसको भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से शास्त्र में वर्णन किया गया है उपनिषदों में। और चूंकि गीता जो है ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्म विद्या संबंधित ही किसी भी शब्द को समझने से सुविधा रहेगी। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो है, जो वैश्य का प्रयोग किया गया है, तो वह उनके लिए किया गया है जो कि अभी साधना में संग्रह की अवस्था में है, यानी जो सद्गुणों का संग्रह कर रहे हैं, जो सदाचारी होते जा रहे हैं। तो वैसे सदाचारी जो सद्गुणों का संग्रह कर रहे हैं और अपने वीर को, ओज को, तेज को संग्रह कर रहे हैं, उसकी वृद्धि करने में लगे हुए हैं, वैसे जो हैं वैश्य कहलाते हैं। आगे हम श्लोक में जो 18वें अध्याय में देख इसके विषय में कुछ विशेष बात करेंगे। तो जो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है उसमें वैश्य जो हैं वो वैसे लोग हैं, वैसे साधक हैं, वैसे तपस्वी हैं जो सद्गुणों का, सदाचार का, इन सब का, अपने वीर का, ओज का, तेज का संग्रह करते जा रहे हैं, सद्गुणों का संग्रह कर रहे हैं अपने में, अपने गुरु से सीख करके संग्रह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही वैश्य कहा गया। और कुछ लोग जो इसको उस अर्थ में समझते हैं कि वैश्य वे होते हैं जो खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, कारीगर हैं, कृषि करते हैं, तो अगर वे लोग ऐसा भी समझते हैं तो भगवान ने कहा है कि उस कर्म, उन कर्मों को भी करते हुए वे मुक्त हो सकते हैं। कर्म तो इस संसार से संबंध बनाने की वजह से है, लेकिन भगवान से संबंध, भगवान का आश्रय लेना, तो वह जो है वह मुक्ति का द्वार खोल देता है। तो कोई व्यक्ति चाहे कोई भी कर्म कर रहा हो वह मुक्त हो सकता है। तो यदि आप इसे, इस वैश्य को खेती करने वाला और कारीगर वाला भी समझते हैं और व्यापार उद्योग करने वाला, तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हुए हैं जो व्यवसाय करते हुए भी मुक्त हुए हैं, जैसे तुलाधार, जैसे कि समाधि, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो विवाद का विषय आता है, ये वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का जो संबंध बनाने की बात है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से कैसे उत्पन्न हुई, जो उसको उससे उत्पन्न होना बताते हैं, और जाति व्यवस्था कब आई, वर्ण व्यवस्था, वर्ण का जिक्र तो चलिए वेदों में भी है, लेकिन जाति व्यवस्था कब आई और जाति क्या है, गीता में तो दो ही जाति बताई गई है, देव और असुर, दो अभूत सर्वो लोके अस्मिन, देव और असुर। तो भगवान ने देव और असुर इन्हीं दो को जो है वो माना है
कि यही दो जातियां हैं। लेकिन अगर आप इसे उस तरह से मानते हैं कि नहीं, उसी वर्ण से जातियां बनी हैं, तो कहो बहुत आधुनिक जो दलित चिंतक लेखक हैं अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि, उन लोगों ने इसको उसी से उत्पन्न माना है। जबकि वेदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है और न ही अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और आधुनिक की जो इतिहासकार हैं, वाली बात है कि ये इतिहास लिखने की व्यवस्था भारत में काफ़ी देर से ही हुई है। इतिहास लेखन भारत का विषय नहीं रहा है। भारत के पहले इतिहासकार माने जाते हैं राजेंद्र लाल मित्रा, जो 1822 में जन्मे थे। 1919 में बंगाल यूनिवर्सिटी में पहली बार इतिहास विषय का पाठ्यक्रम शामिल किया गया। तो प्राचीन भारत का इतिहास किसने लिखा जिसके ऊपर ये सब लिखते रहे? इन लोगों ने पहले जो बातें कही गई हैं उसी को तोड़ मोड़ करके लिखा है। और कवि जो होते हैं वे भारत के जितने शास्त्र हैं ये सब काव्य के अर्थ में, और उसमें कवि की बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और उनके बहुत सारे इशारे होते हैं और बहुत अलग ढंग का चित्रण होता है लोगों को समझाने के लिए। तो उन्होंने अलग ढंग के चित्रण करके उसको लिखा है, और उसे तोड़ मोड़ करके उसको अपने मतलब का बतलाना ये गलत है। हाँ, जाति व्यवस्था जो अभी विद्यमान देखने में आती है उसमें जो दोष हैं उसका परिमार्जन अवश्य होना चाहिए, लेकिन इसके जो वे हैं शोधकर्ता, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री वगैरह जो हैं, उन लोगों ने इस विषय पर जो कहा है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए सुसान बेले हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कास्ट ओरिजिन इन इंडिया के विषय में लिखते हैं अपनी इसी पुस्तक में कि कास्ट इज नॉट एंड नेवर हैज बीन अ फिक्स्ड ट्रेट ऑफ इंडियन लाइफ, पेज नंबर 90 में ये लिखते हैं। और ये कहते हैं कि डेवलप इन टू स्टेजेस फ्रॉम 1650 टू 1850, अर्थात ये कहते हैं कि भारत में जो जाति है वो कभी भी कोई निश्चित रूप से भारतीयों की जिंदगी में नहीं थी। यह विकसित हुई है 1650 से 1850 में, यानी मुसलमानों के आने के बाद और अंग्रेजों के आने के बाद इसका रूप विकसित हुआ है। जो वर्ग विशेष थे वे धीरे 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 जाति विशेष में होने लगे, और जाति विशेष में होने का क्या तात्पर्य है? एक ही तात्पर्य है कि शादियां अपने में ही करने लगे। वे वर्ग के लोग जिनका जो व्यवसाय था, जो आजीविका था, वे अपने में ही शादी करने लगे, एकमात्र कारण यही है। आज भी हम देखते हैं तो जाति का आधार सिर्फ विवाह है, तो विवाह पर प्रतिबंध इधर ही लग गया। 1650 के बाद से विवाह पर प्रतिबंध शुरू हुआ। वैसे मनुस्मृति में भी विवाह के बहुत सारे वो दिए गए हैं कि इस वर्ण के लोग उस वर्ण से विवाह करेंगे तो कौन सी जाति बनेगी या कौन सा मिक्स्ड वर्ण बनेगा, जिसको आज के हम लोग संदर्भ में हम लोग जाति कह देते हैं। तो वहाँ पर उसको एक अलग से मिक्स्ड वर्ण जो बनता है उसका नाम दिया गया, जैसे अम्बस्ट दिया गया है, चंडाल दिया गया है, तो उस तरह से नाम दिया गया, सूत दिया गया है।
तो अलग अलग जो मनुस्मृति में भी दिया गया है कि ये सब वर्ण मिक्स होकर के वर्ण संकर कौन सा बनाते हैं, उसको वर्ण संकर कहे हैं। इसको आज के कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो जात है जात है, लेकिन वो जाति नहीं है, वो वर्ण की ही बात है, वर्ण संकर की बात आप कह सकते हैं। जो रिश्ले हैं एच एच रिश्ले, वो भी बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं, उनकी पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें भी बताते हैं कि जातियों की संरचना वास्तव में ये 19वीं शताब्दी से ज्यादा ठोस हो गई। जातियों में ही एक जाति भूमिहार जाति होती है, इसकी उत्पत्ति तो 1885 में हुई काशी नरेश की अध्यक्षता में। और ये 1885 समझ सकते हैं आप, ये कांग्रेस के फाउंडेशन के समय। तो ये इतने हाल फिलहाल की जाति है। तो जातियों की संरचना इन लोगों के हिसाब से तो इसी तरह से है। उसी तरह से एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं निकोलस डिर्क्स जो हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक कास्ट ओरिजिन इन इंडिया में लिखते हैं कि इंडियन कास्ट एज वी नो इट टुडे इज ए मॉडर्न फेनोमेना। अपने उस पुस्तक के पेज नंबर 107 में है यह, एज कास्ट वॉज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। वो कहते हैं कि आज जो हम जाति देखते हैं वह बिल्कुल आधुनिक ये प्रक्रिया है, आधुनिक घटना है, और ये मूल रूप से अंग्रेजों के कॉलोनियल रूल में यानी अंग्रेजों के उपनिवेशिक शासन में इसे किया गया। और अंग्रेजों ने इस तरह के विशेष प्रतिबंध लगाए कि जो जिस तरह के आजीविका में लोग हैं उसी आजीविका में रहने वाले से ही विवाह करें। यह अंग्रेजों ने ज़्यादा स्थायी किया क्योंकि उनका मुख्य ध्येय था कि किसी तरह से इसको जो है इनकी एकता को भंग किया जाए और इनमें एकजुटता नहीं रहने दिया जाए, हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जाए, ये उनका लक्ष्य था। तो इसलिए उन्होंने विवाह पर जो है ज़्यादा उस पर जोर लगाया। अगर आप पहले के इतिहास को देखेंगे, मेगास्थनीज वगैरह के विषय को देखेंगे, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है जाति विशेष पर, या वेन सांग और फाहियान आए थे तो उन लोगों ने क्या लिखा है, तो उस विषय पर देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि आज जो हम लोग देखते हैं वैसा उस वक्त नहीं था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को तो कुलहीन बताया गया है, मेगास्थनीज ने बताया है कि चार वर्गों में यह समाज विभाजित था। उसको उन्होंने कहा है कि दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक, पार्षद, पर्यवेक्षक, कर निर्धारक, चरवाहे, सफाई कर्मी, कारीगर, ये जो थे यही बताया कि यही वर्ग थे उस वक्त। फायान और हुएनसांग के भी जो दृष्टांत आते हैं तो वे बताते हैं, फायान स्पष्ट लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था भारत में जो है वो ऐसी कोई कठोर नहीं थी, कोई किसी में भी बदल सकता था। और जिस मनुस्मृति का ये हवाला देते हैं, अगर हम उसी मनुस्मृति की भी बात करें तो उस मनुस्मृति में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, क्षत्रियात जातमेव तु विद्यात वैश्यात तथैव च। ये मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 64वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, उसी तरह से क्षत्रिय को भी समझना चाहिए और वैश्य को भी समझना चाहिए कि ये सभी सब बदल सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई किसी भी तरीके से बदल सकता है
जिस मनुस्मृति को बहुत गालियां दी जाती हैं, उस मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति में ही ये लिखा हुआ है, जन्म ना जायते शूद्र। कहा गया कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, यदि जन्म से ही कुछ अगर अलग होता तो फिर ऐसा क्यों लिखते हुए। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चैते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। कह रहे संस्कार से द्विज होता है और जन्म से सारे शूद्र होते हैं, वेद का अध्ययन करने वाले विप्र होते हैं और ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है, यानी ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण होता है। यह स्पष्ट परिभाषा उसमें दी है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, अब मनुस्मृति के विषय में जो कुछ उसमें ऐसे हैं जो अमानवीय मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे जो अमानवीय हैं वो मनु ने जिस तरह से धर्म की परिभाषा उसमें की है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वे अमानवीय चित्रण वो मनु की ही उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति बिल्कुल जो है समभाव समरस से धर्म की व्याख्या करता है, जहाँ क्षमा दया की बात करता है, वही व्यक्ति कैसे कह सकता है कि किसी को कि उसको कान में शीशा पिघला कर डाल दो कि उसकी जीभ काट लो, ऐसा वो कैसे कह सकता है, फिर वो मानवी कहाँ रह जाता है। तो आखिर इन पुस्तकों में ऐसा हुआ क्या, तो अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो पुस्तकें थी इनमें छेड़छाड़ किया गया, अंग्रेजों के आने के बाद ये छेड़छाड़ किया गया है। मैक्स म्यूलर ने बहुत छेड़छाड़ किया, ये लॉर्ड मैकॉले ने इसकी शुरुआत ही की, उसको उसी के लिए उसने वो नीति ही बनाई और मैक्स म्यूलर को किराए पर बुलाया कि वेद के साथ छेड़छाड़ करो, और भी उसमें विलियम हंटर थे जिसने सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ किया शास्त्रों में, और मनुस्मृति में जॉन म्यूर ने छेड़छाड़ किया। तो ये सब जो छेड़छाड़ करने वाले हैं इन लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी जो कि उसमें मूल रूप से नहीं थी। तो अब जो है उसके कारण बहुत सारे विवाद खड़े हुए समाज में कि आखिर ये सब इस तरह की बातें कैसे कैसे लिखा है, ईसाई मिशनरियों ने इस तरह की बातें लिखी, जैसे रॉबर्ट कॉल्डवेल है उसने आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी बना दी जो कि अब सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दी कि आर्य सब बाहर से आए, द्रविड़ यहाँ थे, जबकि यहाँ न आर्य कोई जाति या व्यक्ति था न द्रविड़ कोई जाति या व्यक्ति था, आर्य और द्रविड़ जो थे वो मनुष्य की अवस्था थी, आर्य श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है और द्रविड़ का अर्थ है कि जो द्रव्य संयोजने में समर्थ हुआ है और जो दृष्टा अच्छा है, द्रविद से द्रविड़ बना, यानी जो ज्ञान को जो देख सकता है वह, और कुछ लोग इसकी उत्पत्ति द्रविण से भी मानते हैं यानी द्रव्य से मानते हैं, यानी जो द्रव्य को इकट्ठा करने में समर्थ रहे उनको भी द्रविड़ कहते हैं। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में वह व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि अवस्थावाचक है। अब जो चीन की जो दीवार है उसमें जो मनुस्मृति की जो पांडुलिपि मिली है उसमें 630 श्लोक है, जबकि ईसाइयों ने जो मनुस्मृति छपवाई और उस वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय करवाया तो उसमें 2400 श्लोक हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे श्लोकों की संख्या कैसे बढ़ गई। 19वीं शताब्दी में भास्कर मेधातिथि नाम से एक टीका लिखी गई थी मनुस्मृति के ऊपर ही, उसमें जितने श्लोक थे वे श्लोक बढ़कर फिर उसमें से 170 श्लोक और बढ़ गए 12वीं शताब्दी में, जो टीका कुल्लक भट्ट ने जो लिखी थी उसमें 170 श्लोक ज़्यादा हुए, वे कहाँ से आ गए जो 12वीं शताब्दी का है। तो इस तरीके से क्रमशः जो है उसमें प्रक्षेपण होता चला गया, उसमें कुछ लोग ना कुछ लोग जोड़ते चले गए अपने मनमाने ढंग से, और इस तरीके से उसका स्वरूप बिगड़ता चला गया और लास्ट में जॉन म्यूर, विलियम हंटर और लॉर्ड मैकॉले और ये मैक्स मुलर की मिली भगत से जो है इसमें 2400 श्लोक हो गए, जो कि मनुस्मृति के मूल भाव को ही बिल्कुल उलट पुलट करके रख दिए।
मनु धर्माशास्त्र एक पुस्तक है, मनु धर्माशास्त्र, ये सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी, आर पी पाठक ने इसको लिखा है, के मोतवानी जो इसके पब्लिशर हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है अध्ययन करके पूरा कि किन किन श्लोकों के साथ छेड़छाड़ हुई है, कोई भी इनका अध्ययन कर सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ है कि बहुत छेड़छाड़ हुई है, भारत के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, यहाँ के बहुत सारे ग्रंथ नष्ट भ्रष्ट किए गए, तोड़ मरोड़ किए गए। अब आप देखेंगे कि उपनिषद है, उपनिषद में स्पष्ट एक जो है एक श्लोक है जो स्पष्ट करता है, जाति रीति च न चर्मणो न रक्तस्य मांसस्य न चास्थिनः न जातिरात्मनो जाति व्यवहार प्रकल्पिता। अर्थात जो जाति है वो चमड़े से, रक्त से, मांस से, हड्डी से नहीं होती, आत्मा की नहीं होती है, यह तो मात्र व्यवहार में कल्पित कर ली गई है, तो इसको खारिज कर रहे हैं। शूद्र की परिभाषा करते हुए यजुर्वेद जो है शूद्र की परिभाषा करता है अलग अर्थ में, जिसको कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यजुर्वेद के 30वें अध्याय के 5वें मंत्र में कहा गया है तपसे शूद्रम, यानी शूद्र वह है जो तपस्या करता है, तप करता है। तो जो तप करता है उसको तप से उसको कैसे वंचित किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, आध्यात्मिक साधना से कैसे रोका जाएगा। बल्कि सच्चाई यही है कि जो भी गुरु के यहाँ दीक्षा लेता था, जो भी साधक, तो जो नया नया होता था उस साधक को ही शूद्र कहते थे, और उसका काम था बाकी वर्णों की सेवा करना, यानी जो उच्चे उससे उच्च स्तर के जो साधक थे उनकी सेवा करना, जिसको परिचर्या कहा जाता था। क्योंकि अभी वो नया नया था, जैसे आज भी देखते हैं आप स्कूल कॉलेज में रैगिंग होती है और उसको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनका काम होता है कि उसको वहाँ के वातावरण से वो कराना, उसको जो है एक तरह से उसको सेवा करने के लिए प्रवृत्त करना, क्योंकि तभी कोई भी सेवा करने से ही कोई मेवा देगा। अभी जब आप कुछ करेंगे किसी के लिए, तभी जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, जिसके पास बल है वो बल देगा, जिसके पास धन है वो धन देगा। तो जिसने जो भी आविष्कार कर रखे हैं, जो कुछ समझ रखा है, वो सेवा करने से ही तो दे सकता है उस व्यक्ति को। तो गुरुकुल में इसी तरह से सेवा करके ही उसको प्राप्त करने का था कि भाई जो सीनियर लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी आप सेवा कीजिए, ऋषि महर्षियों की सेवा कीजिए, तो वे आपको कुछ ना कुछ पुण्य प्रताप से देंगे। विश्व उदाहरण देखिए, भारत के सबसे बड़े विद्वान, आज तक के भारत के ही नहीं, मैं कहूँगा विश्व के सबसे बड़े विद्वान जो माने जा सकते हैं, प्रमाणित किए जा सकते हैं, वे हैं नारद ऋषि, जिनको आज की भाषा में यदि कहेंगे तो शूद्र कहेंगे, जिस नजरिए से ये देखते हैं, क्योंकि वे दासी पुत्र थे, इसका वर्णन है। तो यदि शूद्रों को वंचित करने की बात होती, अगर मान्यता नहीं देने की बात होती, तो नारद जी को भी मान्यता कैसे मिल सकती थी। और नारद सबसे बड़े विद्वान हुए, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, उनको दीक्षित किया गया, दीक्षा दी गई, तो कैसे कहा जाएगा कि दीक्षा नहीं दी जाती थी, कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। वे विज्ञान के सबसे बड़े विद्यार्थी आचार्य हुए, वे संगीत शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य हुए, वे ज्योतिष शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य हुए, वे गणित के सबसे बड़े आचार्य हुए, वे इतिहास के सबसे बड़े आचार्य हुए, वे भक्ति विद्या में सबसे बड़े आचार्य हुए, उन्होंने भक्ति शास्त्र पर कई पुस्तकें, कई ग्रंथ लिखे, नारद पुराण ही उनका लोकप्रिय है।
तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनको वंचित किया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, दीक्षा नहीं दी जाती थी। ये सब बातें प्रकल्पित हैं, यह राजनीति से प्रेरित हैं और हीन भावना से ग्रस्त होने की वजह से है। जबकि नारद खुद ने कहीं भी अपने हीन भावना का परिचय नहीं दिया है। यदि उनको ऐसा होता तो नारद खुद भी अपने किसी ग्रंथ में लिखते अपने हीन भावना के विषय में, अवश्य होता। लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं कहीं लिखा है जिससे यह स्पष्ट हो कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, दुर्व्यवहार हुआ कहीं। तो वहाँ पर ऐसा कोई वहाँ वर्ण व्यवस्था थी, कोई कभी भी बदल सकता था, कुछ पढ़ लिख सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। महर्षि मतंग के विषय में कहा जाता है वेद के ऋषि थे और आज के नज़रिए से देखेंगे तो वे भी शूद्र थे और दलित थे, लेकिन उस वक्त के नज़रिए से तो नहीं, उस वक्त के नज़रिए से वो शूद्र से ब्राह्मण बन गए, उन्होंने अध्ययन किया बन गए। सबरी भी उसी तरह की थी, वो भी पूजी गई, महर्षि मतंग भी पूजे गए। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़े आचार्य माने गए, जिसके ऊपर यह गीता ही है, जिसने गीता ही लिखी है, वेदव्यास, पूरे पुराण और पूरे महाभारत गीता के रचयिता, जिसके श्लोक की व्याख्या की जा रही है अभी, उस श्लोक की रचना करने वाले तो स्वयं वेद व्यास हैं, जिनको कि आज के नज़रिए से देखेंगे तो शूद्र कहेंगे, क्योंकि सत्यवती के वे पुत्र थे जो कि मछुआरे की कन्या थी। तो वेद व्यास तो कहीं ऐसा नहीं लिखते, यदि वही खिलाफ होते तो उस तरह की बातें लिखते, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा। सारे शास्त्र जितने हैं, जो लोकप्रिय शास्त्र हैं हिंदुओं के, वो तो सभी आज की परिभाषा में देखें तो अधिकतर तो शूद्रों ने ही लिखे हैं। रामायण जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है वो भी वाल्मीकि ऋषि का है, वाल्मीकि भी आज के नज़रिए से देखेंगे तो शूद्र ही कहलाते हैं। तो वाल्मीकि ने, वाल्मीकि का के ग्रंथ में भी शंबुक वध का प्रकरण है, जिसके ऊपर बहुत दलित चिंतक बहुत हो हल्ला मचाते हैं। तो हमको रामायण को अच्छा से समझना पड़ेगा कि आखिर रामायण में इस तरह की बातें कैसे आई। मान लीजिए कि रामायण में जो श्लोकों की संख्या है, स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने जो श्लोकों की संख्या बताई है, तो उन्होंने अपने वैसे पहले बालकांड में ही उन्होंने जो चतुर सर्ग है उसका जो दूसरा श्लोक है बालकांड का, तो चतुर सर्ग का जो दूसरा कांड है उसमें ही वो स्पष्ट बताते हैं कि इसमें 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं उत्तरकांड सहित। तो जब 500 सर्ग की बात उन्होंने की है, तो जब इसको गिना जाता है तो लंका कांड तक ही 534 सर्ग हो जा रहे हैं, जबकि वाल्मीकि जी ने खुद जो संख्या निर्धारित की है अपने श्लोकों की वो 500 सर्ग की है, और लंका कांड तक ही 534 हो जा रहे हैं, और फिर उत्तर कांड में 111 सर्ग और जोड़ दिए जा रहे हैं, यानी कुल सर्गों की संख्या 645 हो जा रही है। तो यह जो संख्या है, यह तो वाल्मीकि ने जो खुद अपनी संख्या बताई है कि मैं कितने श्लोकों की रचना कर रहा हूँ, उसके एकदम विरुद्ध है। जब उन्होंने 500 सर्ग बताया है, तो ये 645 सर्ग कहाँ से हो गए? और ये जो, और उसमें कुछ ऐसे सर्ग हैं जिसे का 60 से 111 तक जो उत्तरकांड का सर्ग है,
वो तो राम कथा से संबंधित ही नहीं है, वो बेतुका है बिल्कुल। तो रामायण में जो राम की कथा से संबंधित ही नहीं रहेगा, उसका वहां पर होने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब अनावश्यक उसको जोड़ा गया, किसी ने जोड़ा। शंबुक वध का प्रकरण जो है वो 76वें सर्ग में है। शंबुक वध के विषय में बताया कि शंबुक के बारे में है कि वो शंबुक तपस्या कर रहे थे, तो शंबुक ऋषि ने तपस्या शुरू की तो अन्य ऋषियों ने, नारद ने आकर के कहा राम को कि उसका वध कर दो। अब यहाँ पर एक और बेतुका है, नारद तो स्वयं आज की परिभाषा से देखें तो नारद तो स्वयं शूद्र थे, वे क्यों कहेंगे कि जाके एक शूद्र को उसको मार दो, वो शूद्र है। इसलिए और जबकि यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र उसको कहते हैं जो तपस्या करता है, तपसे शूद्रम, तो तपस्या करने से उसे वंचित क्यों करेंगे? और राम अपने ही स्वभाव के विरुद्ध जा करके उसका क्यों, उसको क्यों मारेंगे? यदि उनको मारना होता तो निषाद राज को गले कैसे लगाते, निषाद राज कैसे प्रेमी होते, निषाद राज बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो इतने इतने भक्त हुए हैं जिनको कि आज दलित कहा जाता है, तो वे फिर भक्त कैसे हो पाते? जैसे और यहाँ तक कि अवतार भी माने गए कई, उदाहरण के लिए जो किरात थे वे अवतार माने गए, कालार थे वे अवतार माने गए, कालार विष्णु के, किरात शिव जी के अवतार माने गए, ये भी दलित थे। आज के भाषा में कहें तो विदुर थे, वे भी दलित थे, संजय थे, निषाद राज थे, गु थे, वैकुंठनाथ, तो ये सारे संत फिर कैसे हो गए, कैसे मान्यता प्राप्त किए, कैसे पूजे गए? जतरा उराव, संत धीर, बुद्धू भगत, कोया भगत, गंगा नारायण, कालीचरण ब्रह्मा, और सबसे बड़े तो वेद व्यास, ये भी भगवान के अवतार माने गए, जिनकी रचना आज हम लोग पढ़ रहे हैं यह गीता वेद व्यास की ही रचना मानी जाती है। जो आज की भाषा में देखेंगे इन दलित चिंतकों के हिसाब से अगर नज़रिए से देखने लगेंगे तो ये भी शूद्र थे, दलित थे। तो यही क्यों विरुद्ध में लिखेंगे? तो शंबुक वध का जो प्रकरण है तो वह खुद ही बहुत अटपटा है कि एक जो है आज के नज़रिए से देखें तो एक दलित नारद ने उनको कहा राम को कि ऐसे ऐसे वो तपस्या कर रहा है, वो दलित जाकर उसका तपस्या भंग कीजिए। ऐसा कैसे वो कह सकते हैं स्वयं दलित होते हुए? रामायण के संदर्भ में बहुत ज़्यादा शोध किया एक पश्चिम के इतिहासकार और शोधकर्ता हरमन जैकोबी ने, उन्होंने दास रामायण लिखा और उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रक्षिप्त है और बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ किया गया है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें इस तरह की बातें, जैसे उर्वशी पुरूर्वा की कथा है तो उसको उसमें डालने कौन सी ज़रूरत थी, नहुष कथा, वृत्रवधक वध कथा जो राम से कोई मतलब नहीं है उसको डालने की कौन सी ज़रूरत थी, जो राम भीलनी सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं वही क्यों मारेंगे, अपनी ख्याति क्यों खराब करेंगे? तो उटपटांग चीज़ें ये सब डाली गई है। ये सब मैंने जैसे बताया कि ये सब विलियम हंटर की, मैकॉले की, मैक्स मुलर की, ये सब इन लोगों की ये रचना ड्रामा था। इन लोगों ने सारा छेड़छाड़ करके उपद्रव किया है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति को नष्ट करो, यहाँ के लोगों को जातिगत रूप से अलग अलग करके फिर शिकार करो।
तो हम लोग को मैकॉले की शिक्षा पद्धत, विलियम हंटर का, इन सबसे हम लोग को अलग होना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ सकते हैं इसको अच्छा से। समझने के लिए जरूरी है वेन सॉन्ग, जो 631 से 644 ईस्वी में आया, उसने बताया कि यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, हीरे नहीं बनाए जाते थे और जाति प्रथा का भी उसने वर्णन नहीं किया है, और बलात्कार बहुत कम सुनने में आते थे। तो आखिर ये सब कुरीतियां कहां से आई? ये सब सब बात की जब हूणों के आक्रमण के बाद से, मुसलमानों के आक्रमण, मुगलों के आक्रमण से और अंग्रेजों के बाद ये सब सब कुरीतियां आई है। अन्यथा ह्वेन सांग और फायान में क्यों नहीं जिक्र होता इन सब चीजों का? तो यहां पर जो स्पष्ट किया गया है कि जो शूद्र हैं वे वर्ण हैं, और शूद्र उनको शूद्र किसको कहते हैं? अगर देखा जाए तो यह सूच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जो शोक करता है। तो जो अभी शोक में है वह शूद्र अवस्था में, तो जो भी व्यक्ति शोक में है वह शूद्र अवस्था में है। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यह भी आरोप लगाते हैं कि वेद वगैरह में शूद्रों को अधिकार नहीं दिए गए, जबकि ये सब गलत बात है। शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार था, ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट बताया गया है। शूद्र को यज्ञ करने का भी अधिकार है, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में 53वें सूक्त में बताया गया है, 4वें-5वें मंत्र में। और स्वयं मनुस्मृति में भी जिसकी बहुत आलोचना होती है, उसमें भी शूद्र को जैसे मैंने बताया कि वो उत्कृष्ट वर्णों को प्राप्त कर सकता है, ये 9वें अध्याय में बताया गया है। तो भगवान का यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि जो शूद्र हैं यानी जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे साधक जो अभी सेवा में लगे हुए हैं, तो वे सेवा में लगे हुए हैं और हमारे आश्रय को लिए हुए हैं, तो वे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए एक एक उन्होंने वर्णों की स्थिति का भी वर्णन कर दिया, इसको आप वर्ग माने समाज का, तो उसमें का भी वर्णन भगवान ने कर दिया। स्त्रियों का भी वर्णन कर दिया और जो मनुष्य नहीं है उनका भी वर्णन कर दिया। और यहां पर ये जो पाप योनय है, ये विशेषण के रूप में नहीं है, संज्ञा के अर्थ में है, इस बात को अच्छा से समझ लेना चाहिए। पशु पक्षियों में जैसे जटायु भी थे तो वो भी मुक्त हुए, भगवान ने उनको भी मुक्त किया, वे भी भगवान के आश्रय लेकर के युद्ध किया रावण से। अब रावण देखिए ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन राक्षस उसको माना गया, असुर माना गया, तो जन्म से नहीं कर्म से होता है। वो रावण खुद भी जब तक उसकी माता केकसी ने उसको बहुत प्रेरित नहीं किया था, तब तक वो एक ऋषि था और बहुत विद्वान व्यक्ति था, और इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता था, लेकिन उसकी माता ने उसको प्रेरित करके उसे बना दिया, तो उस व्यक्ति में भी परिवर्तन हो गया और उसको कहते हैं योग भ्रष्ट हो जाना, तो रावण योग भ्रष्ट हो गया।
और उसकी जो भी साधनाएं बाद में हुई वो सब तामसिक प्रवृत्ति की, पहले सात्विक प्रवृत्ति की साधना थी रावण की, बाद में हालांकि साधना उसकी जारी रही, रावण शिव भक्त रहा लेकिन तामसी प्रवृत्ति का, और इस वजह से उसे राक्षस माना गया। तो गुणों के आधार पर भी यह माना जाता था कि यह किस वर्ण का है। बाबा साहब अंबेडकर इस बात को जानते थे, हालांकि उन्होंने जातियों के अपने वो देखे थे, बहुत अन्याय और अमानवीय घटना हो रही थी, निश्चित हो रही थी, और इसकी भर्सना ही नहीं होनी चाहिए बल्कि कैसे इसे ख़त्म किया जाए इस पर भी विचार होना चाहिए। और यही विचार यही है कि इसका आधार चूंकि विवाह है इसलिए स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और अम्बेडकर ने एक जगह कहा भी था कि रोटी और बेटी ही इसका मुख्य कारण है, तो कैसे बेटियों का आदान प्रदान हो सके अन्य जातियों के साथ, यानी अंतर जातीय विवाह हो सके, तो इसका टूटना संभव हो सकता है। और अंतर जातीय विवाह को हम न सिर्फ प्रेरित करें बल्कि स्वजातीय विवाह को प्रतिबंधित कर दें। यदि यह करने में अंबेडकर सफल हुए होते तो आज जाति की जो विभिषिका हमें देखने में को मिलती है या नहीं मिलती, तो आज भी जो जातिगत भावना से पीड़ित हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वे इस आंदोलन को करें और मांग करें कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित किया जाए, कानून मान्यता नहीं दी जाए, जो अपनी ही जाति में शादी करेगा उसे पति पत्नी के रूप में मान्यता न दी जाए और संपत्ति का अधिकार न दिया जाए। तो ऐसा करने से हम लोग जाति के बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर, यह अम्बेडकर टाइटल खुद ब्राह्मण के टाइटल है, उनके गुरु महादेव अम्बेडकर थे तो उसकी टाइटल भीमराव ने लगाई थी, और खुद ब्राह्मण कन्या से सविता से उन्होंने दूसरी शादी की थी। आज के समय में रामविलास पासवान भी हैं जो मीना शर्मा से विवाह किए हुए हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तो ऐसा भारत के इतिहास में नहीं रहा है, यह सिर्फ अंग्रेजों ने भारतीय समाज को तोड़ने के लिए कई तरह की रचनाएं रची हैं विभाजन करने के लिए, और एक बुद्धिमान को इससे उभरना चाहिए। और जहां शास्त्रों में छेड़छाड़ हुआ है, कई श्लोक बना बना के घुसेड़े गए हैं, उन सब की छानबीन करके उसको निकालना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट में मनुस्मृति की मूर्ति लगाई जा रही थी तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था 1889 में, परंतु लगातार 3 दिन तक बहस चलने के बाद भी मनुस्मृति में कोई दोष नहीं निकाल पाए। और वह मनुस्मृति जो गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित होती है, वह मनुस्मृति जो आर्य समाजियों ने निकाली है शुद्ध मनुस्मृति, और यह ईसाइयों वाली जो मनुस्मृति है जो विभाजन के लिए बनाई गई है, यह मनुस्मृति तो इसमें बहुत सारे घालमेल हैं और आपस में विरोधाभास स्पष्ट हो जाते हैं। और जो शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, उन्होंने उन विरोधाभासों को निकाला है, और एक लेखक ऐसा कभी भी अपने ही चीज सिद्धांत के खिलाफ फिर अगले श्लोक में नहीं कुछ लिख सकता, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, चाहे मांसाहार संबंधित हो तो, चाहे वो जाति वर्ण संबंधित हो तो, चाहे विवाह संबंधित हो तो हमें उन विसंगतियों को देख करके उन्हें छांटना पड़ेगा, अपने शास्त्रों से समझना पड़ेगा कि ये कितने ज़्यादा चालाकी से ये सब किया गया है। छेड़छाड़ का तो आलम इतना तक रहा कि एक नया ग्रंथ तक लिख दिया गया अल्लोपनिषद नाम से, मतलब साहस छेड़छाड़ का इतना बढ़ गया कि ग्रंथ तक बना दिए, उपनिषद नाम जोड़ करके अल्लोपनिषद बना दिए। तो आप समझ सकते हैं छेड़छाड़ कितनी ज़्यादा सब शास्त्रों में भी है।
वेद बच गया छेड़छाड़ से, क्योंकि वेद जो है स्मरण से आ रहा था, वो लिखा लिखाया ग्रंथ नहीं था, उस वजह से बच गया, नहीं तो उसमें भी घुसेड़ दिए होते कुछ ना कुछ, और गीता में भी नहीं घुसेड़ पाए, क्योंकि गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं था, ये महाभारत का एक अंश था, तो यह भी बच गया, अन्यथा इसमें भी कुछ ना कुछ कर दिए होते। तो यहाँ पर इस श्लोक में मेरे कहने का अर्थ अब इतना है कि भगवान कह रहे हैं कि पार्थ, जो मेरे आश्रित हो गए हैं, वे चाहे पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली सियार गाय, चाहे वनस्पति हो, कीट पतंगे हो, कोई भी हो जो मेरे आश्रय हो गया, वो चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हों तथा शूद्र हों, ये सभी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरे आश्रय लेने पर, ये सारे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ये बिल्कुल स्पष्ट आश्वासन दे रहे हैं, इस श्लोक का यही अर्थ है, और पर्याप्त स्पष्टीकरण मैंने दे दिया है। बाकी लोग कमेंट में यदि कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। ओम हरि, ओम।